चलिए बात करेंगे अमरोहा जिले की हसनपुर सीट की और लखनऊ चलो में आपको मिलवाएंगे सपा रालोद के उम्मीदवार मुखिया गुर्जर से, जो पहले इलाके में भाजपा का चेहरा हुआ करते थे लेकिन अब साइकिल पर सवार हैं। हसनपुर ऐसी सीट है जिस पर सपा के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भी चुनाव हार चुके हैं। हालांकि सपा रालोद के संयुक्त उम्मीदवार मुखिया गुर्जर अपनी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। अमरोहा की हसनपुर विधानसभा सीट से सपा ने मुखिया गुर्जर को उम्मीदवार बनाया, जिनका कहना है कि अगर वो विधायक बने तो इलाके का कायाकल्प कर देंगे। अमरोहा की हसनपुर विधानसभा सीट से रालोद और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुखिया गुर्जर हैं और इस वक्त मुखिया गुर्जर जी हमारे साथ हैं। मुखिया जी, हसनपुर की जनता आपको लखनऊ क्यों भेजे? हसनपुर की जनता लखनऊ मुझे इसलिए भेजे कि प्रत्येक नागरिक को उसके जनप्रतिनिधि के अंदर वो सारी खूबियां होनी चाहिए जो उनको सम्मान के साथ साथ उनके अधिकार दिला सके और उनकी आवाज़ उनके सुख में दुख में उनके बीच में रह करके उनके लिए आवाज़ बुलंद करे और विकास कार्यों को वरीयता दे। सपा रालोद के संयुक्त उम्मीदवार मुखिया गुर्जर का कहना है कि अगर वो विधायक बने तो दूसरे विधानसभा क्षेत्र में बन रही तहसील को अपने इलाके में लाएंगे, साथ ही शिक्षा मित्रों को भी इंसाफ मिलेगा। अगर मुद्दों की बात की जाए तो हसनपुर में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रख करके आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि पहली बार आप हसनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन्हें जीतने के बाद आप पूरा करेंगे? देखो, यहाँ मुद्दे इस बात के हैं कि हसनपुर में तहसील वो दूसरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर बन रही है, उसको वहाँ से हटा करके मैं अपने क्षेत्र के अंदर यानी कि हसनपुर के अंदर स्थापित कराऊंगा। फिर यहाँ का जो शिक्षा मित्र है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ के लोग शिक्षा मित्र हैं, उनको हमारे माननीय अखिलेश जी ने सहायक अध्यापक की उनको दर्जा दिलाया था और सरकारी नौकरी दिलाई थी स्थाई, लेकिन भाजपा के शासन में वो आकर के उनके वो उनको बंद कर दिया गया था, यानी कि उनको मान्यता रद्द कर दी, तो अब वो लोग बेरोजगार हैं। तो जो शिक्षा जो यानी कि जो शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं बच्चों को, अगर वो दुखी हैं तो सुखी कौन रहेगा, इसलिए हम उनको सहायक अध्यापक का दर्जा दिलाएंगे। दूसरा, किसानों के लिए यहाँ बिजली की बहुत समस्या है, उल्टे सीधे बिल आते हैं यहाँ बड़ा चढ़ा करके, और फिर यहाँ के लोगों को सताया जाता है, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, जेल भेजने का काम हुआ, तो वो सारी बिजली की व्यवस्था जो वो सुचारू रूप से होगी और 24 घंटे बिजली देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे और उसके साथ साथ हम सिंचाई बिल्कुल मुफ्त देंगे, और जो योजना वो थी बीमा योजना वो बंद कर दी थी भाजपा ने, खोखले नारे देने का काम करते हैं, तो हम वो पेंशन योजना लागू कराएंगे समाजवादी। मुखिया गुर्जर पहले इलाके में भाजपा का चेहरा थे लेकिन अब साइकिल पर सवार है और दावा कर रहे हैं कि 22 में सपा की बाइसिकल पूरे प्रदेश में फर्राटा भर रही है। तो कैसे साइकिल की सवारी, जो ये जो सफर है आपका साइकिल का, ये लखनऊ तक पहुंचे, इसके लिए किस तरह की मशक्कत कर रहे हैं? ये मैं मुलायम सिंह यादव जी का शिष्य हूँ, थोड़ी सी नाराजगी हुई थी तो मैं किराए के मकान में रहने चला गया था, अब मैंने घर वापसी करके अपनी साइकिल पे चल रहा हूँ। मुखिया गुर्जर समाजवादी पार्टी, और इतनी महंगाई में हसनपुर छोड़ो पूरी यूपी के अंदर साइकिल थर्राटे भर रही है, तो साइकिल पे चढ़ के इतनी महंगाई में साइकिल पे ही चला जा सकता है, तो इसलिए सारी बिरादरियां मिलके मेरे कैरियर पे साइकिल पे बैठेंगी और मुझे को धीरे से वहां पहुंचूंगा और फिर यहां पर जो विकास की गंगा बहेगी वो नजारा देखने लायक होगा। मुखिया गुर्जर भले ही 22 में अपनी जीत का दावा कर रहे हो लेकिन ये भी सच है कि हसनपुर की जनता लखनऊ किसे भेजेगी, इसका पता तो 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आने के बाद ही लग पाएगा। अमरोहा के हसनपुर से बलराम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।